before doing any reiki session we can do a crystal healing or as we call aura cleaning or chakra cleaning so you can you should have a crystal pencil i have this blue color pencil and you begin with cleansing of the crown chakra so this is clockwise this is anti clockwise so if i have to do the cleaning i'll make it anti clockwise तो अगर हमें चक्रा को क्लीन करना हो तो हम एंटी क्लॉक वाइज मोशंस करते हैं तो ये क्राउन चक्रा जो है हम एंटी क्लॉक वाइज ग्यारह बार घुमाएंगे रफली ग्यारह और मन में इंटेंशन रखते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी सर से निकल के यूनिवर्स में जा रही है ऐसे आप 11-11 बार पांच बार कर सकते हैं अंदाज़े से आप ये फील कर सकते हैं विजुलाइज कर सकते हैं कि जो भी इसके क्राउन चक्रा में नेगेटिविटी है वो हम निकाल रहे हैं और वो निकल के ऊपर यूनिवर्स में जा रहा है तो एंटी क्लॉक वाइज आपने क्राउन चक्रा की क्लीनिंग करा अगर सर में दर्द वगैरह रहता है तो उसमें ये हेल्प करता है और कई बार एनर्जी जब ऊपर चढ़ जाती है यहाँ पे दर्द होता है तो सर में दर्द भी हटाने का बहुत अच्छा काम पेंसिल करती है पेंसिल एक तरह से फोकस एनर्जी होती है निकालती है और पीछे से पकड़ने से जो भी नेगेटिव एनर्जी इस चक्रा में है जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको वो निकाल देती है हम हर चक्रा पे अलग अलग चक्रा पे कर सकते हैं चाहे तो हर चक्रा की अलग अलग पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अपर चक्रा का जो कलर होता है ब्लू होता है वायलेट होता है तो आप वायलेट कलर की पेंसिल ले सकते हैं या कोई भी सोडर लाइट की या लैपिस लेपिसी की पेंसिल ले सकते हैं ये लैपिस की पेंसिल है तो क्रिस्टल हीलिंग विद रे की एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है अब हम थर्ड आई की एंटी क्लॉक वाइज करेंगे सो एंटी क्लॉक वाइज सर्कल्स करेंगे स्पायरल्स करेंगे और नेगेटिव एनर्जी को निकाल के यूनिवर्स में दे देंगे तो ये मैं अब आज्ञा चक्र को क्लीन कर रही हूँ तो आपने आज्ञा चक्र को क्लीन करा तो इस तरह से आप हर चक्र पे कर सकते हैं अब आज्ञा चक्र क्लीन हो गया है आज्ञा चक्र क्लीन हो गया है आज्ञा चक्र क्लीन हो गया है तो दिस इज हाउ आप एक एक चक्र पे कर सकते हैं मैंने अभी दो चक्र करके दिखाए आप थ्रोट चक्रा हार्ट चक्रा सोलर uh, चक्र फिर नीचे का चक्र फिर लोअर चक्र हर चक्र पे कर सकते हैं तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और नीचे लाइक करें शेयर करें और अपने कॉमेंट्स लिखें